बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट और हार्ट ऑफ फिश जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हार्ट। तो हार्ट क्या है? देखिए, हार्ट वो ऑर्गन है बॉडी का जिसने क्या करना है, सिंपल बॉडी पूरी को ब्लड सप्लाई करना है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है। और रिसीव कौन सा करेगा? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। तो अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में क्या होगा कि जो हार्ट होगा ना वो गिल्स के पीछे होगा, क्योंकि गिल्स जो है हम कहते हैं कि ये क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिनके ऊपर से जो है वो वाटर गुजरता है और उसके अंदर से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर एडअप हो जाती है। और वो सारी कहाँ पे जाती है? हार्ट के पास। और हार्ट क्या करता है? उसको पंप करके आगे जो है वो ट्रांसफर करता है। तो गिल्स के साथ क्या होगा? हार्ट होगा। अगर हम हार्ट की लोकेशन देखते हैं तो वो क्या है कि जो गिल्स हैं, बिल्कुल जो गिल्स होते हैं ना, इस तरह से फिश है तो यहाँ पे इसके जो है ना ये गिल्स होते हैं, ठीक है। तो गिल्स के बिल्कुल पीछे क्या होगा? हार्ट होगा। और हार्ट जो है वो किस तरह का होगा? वो इस तरह का होगा जो कि मेजोरिटी में लोग जो है ना बनाते हैं ये इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हार्ट है ना ये किसका होता है? ये फिशेस का होता है। और साथ में जो हार्ट है हम कहते हैं फ्रॉग्स वगैरह का, ठीक है। तो वो भी उनका भी हार्ट इस तरह से होता है। कभी आप इन दोनों को ऑपरेट करके देखो ना, उनका हार्ट जो है वो इस तरह का होता है। तो इस तरह से इनका हार्ट होगा, जबकि ह्यूमंस जो है वो तो आपको पता है कि किस तरह से होता है, उनका हार्ट जो है ना वो इस तरह से होता है। अब क्या है कि हार्ट की जो लोकेशन है वो क्या होगी? वो गिल्स के बिल्कुल पीछे होगी, क्योंकि गिल्स से उसने क्या करना है, ऑक्सीजन जो है ना वो लेनी है और ब्लड जो है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाना है। अब और पता है क्या, हम ना इस वीडियो के अंदर मुख्तलिफ फिशेस के अंदर जो है ना हार्ट को चेक करेंगे कि किस तरह का हार्ट उनके अंदर होता है। देखिए, हर जो है इनके मुख्तलिफ चैम्बर, अगर बात करते हैं ना ह्यूमन की, तो ह्यूमन जो है उनका हार्ट डबल पंप होता है, ठीक है। एक तो उसने क्या करना होता है, पंप करना होता है ब्लड को लंग्स तक, ठीक है। और दूसरा उसने क्या करना होता है, ब्लड को उसने पंप करना होता है पूरी बॉडी तक, ठीक है। तो इधर वो डीऑक्सीजनेटेड और इधर जो है ना वो कौन से अभी हम डिस्कस करेंगे फिशेस का। तो वो है हमारे पास एट्रियम। एट्रियम जो है ना, देखिए एट्रियम का बेसिक काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो उसने क्या करना है, ब्लड को कलेक्ट करना है और आगे जो है उसको मतलब आगे वेंट्रिकल में सेंड करना होता है ताकि वो क्या हो, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाए। एंड अभी हम एट्रियम का जो है ना वो थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। देखिए, ये थिन वॉल है, ये थिन वॉल होगा एंड जो है ना सैक लाइक इसकी बॉडी होगी इस तरह से ना, इस तरह से इसकी बॉडी होगी सैक लाइक। और ये जो है ना ये जो साइड में वॉल है ये थिन वॉल होगी एंड इसमें दो तरह के वॉल्व होंगे, एक आगे जो वेंट्रिकल में खुल रहा होगा और एक वॉल्व जो है ना वो यहाँ पे होगा जो कि ओपन हो रहा होगा। आपको ये बताऊँ कि किसके अंदर, जो साइनस विनोसिस है, आपने को मैंने बताया ना कि साइनस विनोसिस जो इस तरह से है जिसमें क्या होता है कि बॉडी से ब्लड कलेक्ट होके आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, वॉल्व होगा जिसको हम कहते हैं साइनो एट्रियल। तो ये एट्रिया होगा, एट्रिया थिन वॉल है, इसके अंदर ब्लड आएगा और उसके बाद फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। तो यहाँ पे जो वॉल्व है, ठीक, तो ये वाला जो वॉल है इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर है, यानी एट्रिया और आगे नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टार्ट होना है वेंट्रिकल, ठीक है। तो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व जो है ना वो इधर होते हैं।
नेक्स्ट देखें, अभी मैं आपको यहाँ पे ना एट्रियम दिखाती हूँ। तो ये डायग्राम बनी हुई है इसकी, तो आप ये देखो, देखें किस तरह से ये है ना, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा एट्रियम है, ठीक है, ये एट्रियम है। एंड उसके बाद जो है ना, आगे जो नेक्स्ट आ रहा है वो आगा वेंट्रिकल। तो ये देखें, ये साथ में लिखा है ना मैंने, थर्ड, ये थर्ड पार्ट है वेंट्रिकल, और उसके पीछे था एट्रियम। एंड दरमियान में जो वॉल्व है उसको कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। इसमें क्या है कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकुलर के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल देखेंगे, देखिए वेंट्रिकल में यहाँ पे सिंगल चैम्बर्ड है। वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं ना, उनमें होता क्या है कि जो आ रहा होता है ब्लड, ठीक है, वो सिंगल पंप है। देखिए जो है फिशेस, उनके अंदर सिंगल एट्रियम सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है। एंड वेंट्रिकल जो है अब सिंगल है, और इसका स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा मस्कुलर होता है, ठीक है, थोड़ा थिक होगा क्योंकि इसने आगे ब्लड जो है ना सप्लाई करना है। तो अब इसकी जो शक्ल होती है ना वो पैरामिड की तरह होती है, जिस तरह की ये पैरामिड है। अब इसके दो जो है ना पोर्शन होते हैं, एक ऊपर वाला टिप होता है और जो नीचे वाला बेस होती है ना, ठीक है, वो ब्रॉडर होती है, ज़्यादा जो है ना वो चौड़ी होती है। और ये मस्कुलर सैक होती है, इसमें जो है ना, देखें अब इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ना ये स्ट्रक्चर हो, बल्कि वेरिएशन आएगी। वेरिएशन इस तरह से आएगी कि जैसे जैसे आपकी जो फिशेस हैं उनकी टाइप्स चेंज होंगी, ठीक है, तो साथ में जो है ना ये भी चेंज हो जाएगा, इसका भी स्ट्रक्चर भी। अब देखेंगे जो एलिस्मोब्रैंक है, ठीक है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जो इसकी ब्रॉडर बेस है ना, ठीक है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो किसकी तरफ होता है, वो कोडल की तरफ होता है। देखिए अब ये फिश है ना, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये फिश है, ये इसका कोडल फिन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हार्ट है ना, यहाँ पे, ठीक है, गिल्स के पीछे, मैं गिल्स को भी ड्रॉ नहीं करती, मैं जस्ट हार्ट को ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे हार्ट जो है ना वो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से। जब यहाँ पे हार्ट मौजूद है तो अब वो कह रहे हैं कि जो ये वाला पोर्शन है वेंट्रिकल, उसका जो ब्रॉड साइड होती है वो उसके कोडल साइड पे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इधर है ना, इधर इस जगह पे वेंट्रिकल, तो उसकी जो है ना इस तरह से होगी, यूँ कि इस तरह से ये वेंट्रिकल होगा, उसकी जो ब्रॉडर साइड होगी वो किसकी तरफ होगी, वो कोडल फिन की तरफ होगी, ठीक है, इस तरह से। एंड या फिर हम ये कह सकते हैं कि लिवर की तरफ, तो इधर ही जो है ना, इधर ही साथ में उसके बॉडी का जो है ना लिवर जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो हम बात करते हैं इनकी टिलियोस्ट की, ठीक है, तो अब इसमें क्या होती है कि ये ना थोड़ा लेटरली कंप्रेस्ड होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना वेंट्रिकल, अब लेटरल साइड ये वाली होती है, ठीक है, इसकी जो लेटरल साइड है ना वो कंप्रेस्ड होंगी, मतलब यूँ इस तरह ना, तो यूं ऐसे ना कंप्रेस होगी, ठीक है। जो ये आ जाते हैं इनके मसल्स, तो देखिए यहाँ पे ना टू मसल्स की जो पेयर्स है ना उनसे बना हुआ होता है ये पूरा वेंट्रिकलर। एक होता है सुपरफिशियल डेंस, ठीक है, मतलब ये कि उनकी जो लेयर होगी वो कॉर्टिकल होगी और डेंस लेयर होगी। जो दूसरी है वो स्पॉन्जी होगी। जो कॉर्टिकल है ना वो कौन सी, वो आउटर साइड पे होगी, ये वाली आउटर वाली जो लेयर है ना ये कॉर्टिकल होगी, अंदर वाली जो है ना वो इस तरह से स्पॉन्जी होगी, ठीक है, ताकि उसके अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए और प्रेशर को वो बर्दाश्त कर सके। नेक्स्ट है उसका है ट्रोंकस एट्रियोसिस। ट्रोंकस एट्रियोसिस जो है ना, ये आपको बताऊँ कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्वॉलन इस तरह ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, इस तरह से एक ट्यूब होगी और वो स्वॉलन होगी, तो उसको हम कहेंगे, इसको हम कोनस एट्रियोसिस भी कहते हैं। कुछ फिशेस के अंदर ये होती है, कुछ फिशेस के अंदर ये नहीं होती, ज़रूरी नहीं कि हर फिश के अंदर ये ना ये प्रेजेंट हो। एंड इसकी जो शक्ल होती है वो सेमी ल्यूनर होती है, ये तो मैंने भी थोड़ी सी ड्रा की है ना, तो ये इस तरह से ना यूँ इस तरह से, जिस तरह आधा चांद नहीं होता, बिल्कुल इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड नेक्स्ट देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये है कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है, ये जो है ना ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यूँ ना इस तरह से कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, खुल भी सकती है बंद भी हो सकती है,
इसका बेसिक मकसद होता है प्रेशर बनाना, ताकि जो आगे आ रही है वेंट्रल एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ना, ताकि एओर्टा के अंदर प्रेशर के साथ ब्लड जाए और फिर वो पूरी बॉडी में यहाँ से यूं इस तरह से पूरी फिश की बॉडी में जो है ना वो सर्कुलेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ब्लड जो है ना उसकी पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये प्रेशर बनाने के लिए कोनोसाइटोरियोसिस जो है ना वो यूज़ होती है। एंड देखें कि कुछ में कोनोसाइटोरियोसिस नहीं होती, उनके अंदर ना कुछ वैसे ना बल्ब लाइक जो है ना ऐसे बल्बुलर स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस तरह से जिस तरह बल्ब नहीं होता बिल्कुल, इस तरह से वो ना स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, तो वो जो है वो आगे ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन उनका भी जो सेम काम है ना वो यही वाला है। और जो वेंट्रल एओर्टा है उसको डिस्कस करें तो देखेंगे एक वेंट्रल साइड पे है इसको, मतलब वेंट्रल जो है ना वेंट्रल से ब्लड आ रहा है उसको रिसीव कर रही है। ठीक है, एंड उसकी जो है ना बॉडी की जो वेंट्रल साइड होती है, ठीक है, एब्डोमेन का जो बेसिक काम है ये क्या है, जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको उठा के इसने पूरी बॉडी में डाल देना है। देखेंगे अब ये आप देख रहे हो स्ट्रक्चर्स, अब मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझाया है तो इसमें एंड इसमें काफ़ी जो है ना वो डिफरेंस है। देखें होता क्या है बेसिकली कि डिफरेंट फिशेज हैं, डिफरेंट उनकी स्पीशीज हैं, डेट्स वाई कि उनके स्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत जो है ना वो डिफरेंस है। एंड ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ टीडियोस्ट, देखें अगर हम बात करते हैं टीडियोस्ट, ठीक है, या टीडियोसीन, तो इनमें क्या होता है कि ये बोनी फिशेज हैं एंड बोनी फिशेज जो है इनके अंदर जो है ना पार्ट वही है, लेकिन क्या है कि थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत उनके स्ट्रक्चर्स जो है ना वो चेंज है। जैसे कि अगर हम सिंपल बजाय इसके कि हम इतने लंबे चौड़ी चीज़ को पढ़ें, जैसे इसको ही देख लें तो हमें समझ आ जाएगी। देखें वहाँ पर सबसे पहले थी साइनस विनोसिस, अब साइनस विनोसिस ये देखें कि ये किस तरह से है, ठीक है, कि थोड़ा बल्जिंग जो है ना स्ट्रक्चर है। चलिए अब उसके नीचे जो है ना ये जहाँ से ब्लड वो रिसीव कर रही थी उसका हम क्या कह रहे थे, ये क्या है, डक्टस कोवेन है। ठीक है, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो एंड ये जो है ये वाली जो स्पेसिफिक है सेकंड नंबर पे, इसको हेपेटिक वेन कहते हैं, क्योंकि ये लिवर से जो है ना जितना ब्लड होता है उसको लेके आ रही होती है और ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखें जब यहाँ पे साइनस विनोसिस है उसके बाद हमने पढ़ा था कि साइनो वेंट्रिकुलर एट्रिकुलर बल्कि, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे अपर्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर क्या था, यहाँ पे छोटा सा वॉल्व था जिसके थ्रू क्या था कि उन्हें पूरा ब्लड जो है वो आगे किस में जा रहा था, एट्रियम में जा रहा था, साइनो एट्रियल। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपर्चर्स हैं, होंगे तो ये वॉल्व लाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा ना इस तरह देखें यूं इस तरह से पोरस स्ट्रक्चर होगा यूं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बेस ब्रॉडर है ना, तो यहाँ से ज़्यादा सारा ब्लड आगे जाना है, अब एक बार से तो गुजारा नहीं होगा। अब ये जो इसका ओरिकल अभी आप कह सकते हो, ये देखें ये इसका ओरिकल, ये बेसिकली इसका है क्या, ये इसका ना एट्रिया है, और एट्रिया देखें कितना बड़ा है, इतना बड़ा एट्रिया, यहाँ पे ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, ये इसका वेंट्रिकल जो है, तो जो वेंट्रिकल है उसके बाद क्या होगा कि ये इसका थर्ड पार्ट है ना, उसके बाद देन ब्लड जो है वो आगे बल्बुलर स्ट्रक्चर में जाएगा। देखें यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये ट्रंकस वाले रीजन, ठीक है, तो ट्रंकस जो है ना ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि यहाँ पे बल्बुलस जो है ना एट्रियोसिस है, और उसके बाद जो ब्लड है ना वो किस में चला जाएगा, वेंट्रल एओर्टा में चला जाएगा, एओर्टा जो है ना, ठीक है, जिस तरह आर्टरीज वगैरह होती हैं आगे ये डिवाइड होकर ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल किसकी ली थी, हमने ना इसमें टीडियोस में टोर की एग्जांपल ली थी, ठीक है। अब इस फिशेज के अंदर भी क्या है, ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, साइनस विनोसिस है, बिल्कुल वही काम है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से बॉडी से ब्लड रिसीव करेगी, और एक जो है ना वही एट्रिया की तरह का होता है, सेमिलिनर बॉल्स वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट है, बहुत सारी अपर्चर्स होती हैं, बहुत बड़ा इसका साइज होता है, एंड ये देखेंगे स्पॉन्ज स्ट्रक्चर है इसके अंदर ना, ये जिस तरह ये बना हुआ है इससे लग रहा है कि ये क्या है, स्पॉन्ज ही है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा ब्लड को कैरी करना है और इसको ऑक्सीजनेटेड भी करना है, तो ये स्पॉन्ज ही इन टेक्सचर होता है, और इसकी जो ल्यूमन है वो थोड़ी सी।
अब देखें जो ओरिकल है वही इसका क्या है, वो एट्रिया है, और एट्रिया बहुत बड़ा है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है। तो अब क्या होगा कि इसकी जो ल्यूमन है ना वो नैरो होती है और कहाँ तक फैली होती है, ये इस वेंट्रिकुलर तक। अब वेंट्रिकल का जो स्ट्रक्चर है ना उसको हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से होता है। देखें कि वेंट्रिकल जो है, अब यहाँ पे ये मस्कुलर चैम्बर है, ठीक है, एंड नैरो ल्यूमन है, बहुत छोटी सी ल्यूमन इसकी होती है। एंड इसमें क्या होता है कि जब आगे जो है ना, ये देखिए एक बॉल के थ्रू जो है ना यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये जो ओपनिंग है ना उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलो बल्बुलर, ठीक है, वेंट्रिकुलो बल्बुलर इसको ओपनिंग कहते हैं, तब जाके वो उसके अंदर ओपन होता है। और उसके बाद फिर देखें कि यहाँ पे ना मतलब डबल डबल वॉल्व्स हैं, क्योंकि ये इसका जो एट्रिया था वो बहुत बड़ा था, डबल डबल वॉल्व है जिनको हम सेमी ल्यूनर वॉल्व्स भी कह रहे हैं। उसके बाद जो बल्बुलर से एट्रियोसिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ट्रोंकस वाला सिस्टम नहीं है, इस वजह से क्या होगा यहाँ पे बल्बुलस जो है ना एट्रियोसिस जो है वो प्रेजेंट होगा, बस ऐसी थिकिंग स्ट्रक्चर होगा जिस देखिए। अब ये जो स्ट्रक्चर है ना ये रिबन लाइक है, थिक है, अब इसकी वॉल्स भी थिक है। अब इसने क्या करना है, इसकी ल्यूमन भी नैरो होती है। देखिए मुझे एक बात बताएं कि आपके पास दो पाइप है, एक पाइप जो है ना वो इस तरह से है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये नैरो है, और एक आपके पास जो है ना इतना है, ठीक है, ब्रॉड है। तो पानी किससे ज़्यादा तेज़ी से आपको, और तेज़ी से और प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, इसमें से जो पानी है ना वो तेज़ी और प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें से कम निकलेगा। तो बिल्कुल क्या है कि अब हमने प्रेशर के साथ ब्लड को आगे पूरी बॉडी में भेजना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा कि हमें नैरो पोर्शन चाहिए। तो नैरो पोर्शन जो है, ठीक है, उसकी वजह से हमको उसको क्या कहेंगे, इसकी नैरो ल्यूमन है। और ये देखिए यहाँ पे रिबन लैग जो है ना, यहाँ पे ट्रैबिक्यूला जो है वो प्रेजेंट है। ट्रैबिक्यूला इस तरह की पट्टियाँ होती हैं, ठीक है, रिबन लाइक, जिस तरह इलास्टिक होता है ना बिल्कुल इसी तरह से। अब वो इस तरह होगा कि जितना उसको खींचेंगे ना तो वो खींच जाएगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, पूरा ब्लड आगे जो है पूरी बॉडी के। अब हम सिप्रिनिडी फैमिली जो है उसमें क्या करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फिशेज है ना उनके बारे में, उनका जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है वो देख लेंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं लिब्यूरुहिटा या सिरिहेनिस मेरिगेला या कैटला कैटला, तो इसमें साइनस वेनोसस जो होती है वो बहुत लार्ज होगी एंड स्पॉन्जी भी होगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होंगे, सेमी आर्टिकुलर जो है ना वॉल्स प्रेजेंट होंगे एंड ओरोकुलर जो है ना आगे वेंट्रिकुलर ये अपर्चर्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या है, साइनस विनोसिस जो है ना ये बहुत लार्ज है इस वजह से। एंड अगर बात करते हैं ये ब्लैगो आटो की, अगर इसकी एग्जांपल दी जाए, तो इसमें क्या होगा कि साइनस विनोसिस जो है ना ये थिन वॉल है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आगे जो फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं ओरिकल हो गया, ये स्पॉन्जी है, ठीक है, मतलब सारे स्ट्रक्चर वही हैं, सिर्फ इसमें क्या है, इसका जो ओरिकल ना वो क्या है, वो स्पॉन्जी है। एंड नेक्स्ट जो है ये चाइना स्ट्रेटस, ठीक है, इसको अगर देखें तो इसमें क्या है कि इसमें वॉल्स हैं, ठीक है, सेमी ओरिकुलर जो है ना वॉल्स इसमें एब्सेंट हो जाते हैं। देखें चीज़ें सेम हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा जो है पेपर में भी नहीं आएगा सिप्रिनिडी, बस ऐसा है कि आपको थोड़ी बहुत ही जो है ना उनके मतलब स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि किस तरह से होता है, बाकी सारा वही है। लेकिन बेसिक जो है ना वो दो चीज़ें हैं, एक टीडियोस्ट है, दूसरा लेसमोब्रैंक है। देखिए टीडियोस्ट बोनी फिशेज हैं, उसमें आप किसी की भी एग्जांपल लेके आप वहाँ पे उसको ना डिफाइन कर सकते हो, उसके हार्ट को बता सकते हो, और लेसमोब्रैंक में आपने पक्की एग्जांपल जो है ना वो शार्क की देनी है और उसके हार्ट के बारे में बताना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए साइनस विनोसिस हो गया, वही एट्रियम, वही वेंट्रिकल पर कोनस, और यहाँ पे ट्रंकस एट्रियोसिस है, वहाँ पे ट्रंकस एट्रियोसिस नहीं था, ठीक है। तो ओपनिंग जो है इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी बहुत सारे वॉल्व्स हैं, और सम टाइम क्या पे हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे ओपनिंग्स नहीं है, वॉल्व्स नहीं है, बल्कि क्या है कि यहाँ पे अपर्चर्स हैं, बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो आप देख लें कि ये देखें, ये है ना शॉक ऑफ पार्ट, तो ये इसका जो है ये साइनस विनोसिस है, ये वाली साइड से आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है, ये ब्लड को लेके आ रहे हैं। और उसके बाद ये वाला जो है ना, ये वाला ये ओरिकल है, ये वाला, ठीक है, साइडों पे, लेकिन
देखिए सब में चीज़ें वही हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस वजह से आपको क्या करना होगा कि आपको ना इनकी डायग्राम्स जो है वो थोड़े अच्छे से याद करनी होगी। तो ये देखिए, ये वेंट्रिकल है ना सेंटर में, उसके बाद क्या होगा कि कोनस एट्रियोसिस आएगा, वो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये देखें सर्कुलर, और उसके बाद देन जो है ना ये वेंट्रिकल आयोटा जो है वो आ गया। तो बिल्कुल सेम ये भी, यही सारी चीज़ें इधर भी लिखी हैं, आपको ये चीज़ जो है ना ये स्ट्रक्चर इसका ये आना चाहिए कि एलेस्मोब्रैंक के अंदर किस तरह से होता है एंड जो टीलियोस्ट है उनके अंदर किस तरह होता है, और कॉमन फिशेज में अगर आपने एग्जांपल देनी है तो हम इस तरह से जो है ना इसकी देंगे एग्जांपल, इस तरह से कोई भी जो है ना वो हार्ड होता है। तो नेक्स्ट जो है हम वर्किंग ऑफ हार्ट देखेंगे। देखें जो हार्ट है ना वो क्या है, वो उसका हम कहते हैं कि डबल पंप के तौर पे काम नहीं करता बल्कि सिंगल पंप के तौर पे काम करता है। इसका बेसिक फंक्शन ही क्या होता है कि उसने सिंगल सिंगल ब्लड को जो है ना वो मूव करवाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वही जो चीज़ें हमने पीछे पूरी कहानी पढ़ी, जितनी पीछे मैंने ये आपको हार्ट के वो कहानी सुनाई है ना, किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह से बाहर जो है ना वो आगे आगे मूव करता है और आगे उसके अंदर किस तरह ऑक्सीजन ऐड होती है, तो जो मैंने कहानी आपको यहाँ पे आप ये करें लैला मजनू जो सुनाई है ना, बिल्कुल वही लैला मजनू इधर भी लिखनी है, ठीक है, वही उसकी वर्किंग ऑफ हार्ट की है। सबसे पहले हमने ना वीनस ब्लड के बारे में पढ़ा है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो अब जितनी भी वीन्स होंगी बॉडी की उन सब से कहाँ पे आएगा, वो उसकी साइनस विनोसिस में आएगा। साइनस विनोसिस के बाद हमने ये देखा है कि ब्लड जो है वो किसके अंदर चला जाएगा, ऑरिकल के अंदर पुश कर दिया जाएगा, वहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स होंगे, ठीक है, जिनको हम ना साइनस एट्रियोसिस जो है वो भी कह सकते हैं। देन फिर ब्लड क्या होगा कि वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल फिर जो है ना अब एट्री और वेंट्रिकल के दरमियान कौन से होंगे, एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्स होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना ब्लड जो है ना बल्जिंग आउट जो स्ट्रक्चर होंगे वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, एंड जिसको हम ना ट्रंकस जो है ना एट्रियोसिस कह रहे हैं। तो उसके बाद जो ब्लड है वो आगे आयोटा में जाएगा और आयोटा से फिर आगे पूरी बॉडी में ब्लड चला जाएगा। यही सारी जो हार्ट है उसकी वेरिएशंस अब हम कुछ देख लेंगे। तो देखें अब वही चीज़ जो है ना वो हमने इधर पढ़ी थी, ठीक है, ये जो हमारे पास पूरा था ना, ठीक है, इसके अंदर हमने यही सारी चीज़ पढ़ी थी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है ना सिप्रिनिडी फैमिली में, तो वही थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस था वही सारे स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो चेंज है। तो अब यहाँ पे जो है ना उन्होंने थोड़ा और हमारे लिए आसानी कर दी है, एंड इसमें ये ही है कि देखें अगर हम साइनस विनोसिस की बात करते हैं ना, किसके अंदर ये चाइना स्ट्रेटस, इसके अंदर अगर बात करते हैं, ठीक है, जो चाइना स्ट्रेटस है इसमें जो साइनस विनोसिस है ये प्रेजेंट होता है, और बस इसके अंदर जो वॉल्स है ना वो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे अपर्चर होंगे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं ये ब्लैगो ऑटो जो है, ठीक है, ब्लैगो ऑटो इसमें थिन वॉल जो है क्या मौजूद होगा, साइनस विनोसिस थिन वॉल होगा, लेकिन इसका जो ऑरिकल होगा वो स्पॉन्जी होगा, बड़ा होगा, यानी कि हनीकॉम जिस तरह होता है ना, ठीक है, वो आपने कभी देखा हो मक्खियों का छत्ता जो होता है शहद की मक्खियों का, ठीक है, तो वो बिल्कुल इस तरह से ना होगा। एंड इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नोटोपिटेरस की, ठीक है, तो जो नोटोपिटेरस है ना इसमें 5 to 7 वॉल्स होते हैं, ठीक है, अगर नोटोपिटेरस चिटेला की बात करें तो उसमें क्या होता है कि इसमें भी 8 to 10 तक वॉल, मतलब इनके अंदर वॉल्स जो है ना वो ज़्यादा है। एंड अगर हम नोटोपिटेरस वेंट्रिकुलो जो है ना उसकी बात करते हैं तो इसमें रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या करते हैं आगे जो है ना ब्लड को आगे भेजते हैं प्रेशर के साथ। एंड अब इनमें क्या होगा कि रिबन लाइक जो है ना वो चैम्बर्स वगैरह होंगे और ये खुद भी बल्बिंग्स जो है ना, देखिए अब मेन मकसद क्या है, ब्लड को आगे भेजना है प्रेशर के साथ भेजना है, तो वहाँ पे रिबन की तरह का होना चाहिए, जैसे ना जैसे इलास्टिक होता है उसका हम क्या करते हैं खींच के ना, मतलब अगर इतना इलास्टिक है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं खींच के ना, ठीक है, तो वो इतना हम लंबा कर लेते हैं, तो उसमें इलास्टिसिटी है, जब वो मतलब इसको छोड़ते हैं अपनी पहली पोजीशन वापस चला जाता है। इट्स मीन कि इस तरह से इसमें भी होगा, और ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ जब ब्लड इसके अंदर आता है तो ये बल्जिंग हो जाता है, वो भर जाता है, लेकिन जब इसको में ब्लड रिलीज होगा ना तो फिर बहुत ही